हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप BSTC के एडमिट कार्ड को निकाल सकते हो। दोस्तों अधिकतर एडमिट कार्ड अपन निकाल रहे हैं तो अपने सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे अपन अपने एडमिट कार्ड को निकालते हैं तो अपने सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है, फेल्ड एप्लीकेशन पेमेंट पेंडिंग। तो दोस्तों इसको आप कैसे हटा सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन का एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास एप्लीकेशन भी नहीं है, एप्लीकेशन आईडी भी नहीं है, तो आप अपने नाम और पिताजी के नाम के आधार पर भी आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो यार अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मिलती रहेगी सबसे पहले ऐसे आने वाले वीडियो में सबसे पहले जानकारी। दोस्तों नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं सिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप BSTC के एडमिट कार्ड को निकाल सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पे आपको जो भी है, जैसे आपको यहाँ पे प्री डिलेट डालना होगा, जैसे दोस्तों आप PREDELET ये साइट है आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये साइट है, इसको डालना होगा। इसके बाद में दोस्तों कुछ देर में आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया एक पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है जहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये BSTC का प्री डीएलएड एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और कैंडिडेट के ऑप्शन के नीचे प्रिंट एडमिट कार्ड, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया एक पेज ओपन होगा। उसमें दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे कैंडिडेट एनी टू डिटेल्स और कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी एंड मोबाइल नंबर, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप, जैसे मैं अब किसी का फॉर्म नंबर डाल के देखता हूँ, जैसे अपन यहाँ पे फॉर्म नंबर डाल देते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर डाल के गेट एडमिट कार्ड क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है कि फेल्ड एप्लीकेशन पेमेंट पेंडिंग। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन किस तरीके से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंडिडेट एनी टू डिटेल्स, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कैंडिडेट का नाम और पापा का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे दोस्तों आप कैंडिडेट का नाम और पिताजी का नाम आप डाल के लिस्ट एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एडमिट कार्ड नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे ही व्यूज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा और एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसको प्रिंट आउट आप यहाँ से, नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप प्रिंट आउट भी दे सकते हो। जैसे दोस्तों इस प्रकार से आप अपने प्रिंट को यहाँ से डेजिनेशन से यहाँ से सिलेक्ट करके किसी भी प्रिंट एडमिट कार्ड का प्रिंट दे सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके ये प्रॉब्लम हो रही है BSTC एडमिट कार्ड निकालने में कि एप्लीकेशन पेमेंट पेंडिंग, तो दोस्तों आपको जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई थी PREDELET.com, दोस्तों इस पर आपको जाना है और गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से दोस्तों आप अपना नाम, आपके सामने ये तीन प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कैंडिडेट रोल नंबर, मोबाइल से भी आप BSTC का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप रोल नंबर डालोगे
और मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको जेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर डालते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी मैंने आपको समाधान बता ही दिया है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कैंडिडेट एनी टू डिटेल के आधार पे भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो BSTC का। तो दोस्तों जैसे ही आप अगर इसमें से एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर डाल के भी आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हो, एनी टू डिटेल्स फिल करके आप एडमिट कार्ड गेट कर सकते हो। तो दोस्तों आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यार अपने चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए। और दोस्तों आपका प्यार और प्रेम इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे, और आप यार कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।